हर बार की तरह इस वर्ष भी बॉलीवुड में नया टैलेंट अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार है। वर्ष 2019 में जहां चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे, एक्ट्रेस सारा सारिया, अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी, शिवालिका ओबेरॉय, मोनिश बहल की बेटी प्रनूतन बहल, भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी, सनी देओल के बेटे करण देओल और सहर बाबा ने डेब्यू किया। आइए जानते हैं इस साल कौन से स्टार किड्स और अन्य कलाकार अपनी बॉलीवुड पारी की शुरुआत करने वाले हैं। साल 2017 में मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजी गई मानुषी चिल्लर इस वर्ष बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म पृथ्वीराज से अपने सफर की शुरुआत करेंगी। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं और मानुषी इसमें संयोगिता का किरदार निभाएंगी। कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ करण भूटानी की फिल्म क्वथा से इस साल डेब्यू करेंगी। सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा भी हैं। सुनील शेट्टी की बेटी अहान शेट्टी साल 2018 में आई तेलुगु फिल्म आरएक्स 100 के हिंदी रिमेक से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगे। मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अहान के साथ तारा सुतारिया हैं। पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला अपनी डेब्यू फिल्म की रिलीज से पहले ही नॉर्दर्न लाइट फिल्म के निर्माता जय सेवकर मानी के साथ 3 फिल्मों का करार कर चुकी हैं। अपनी डेब्यू फिल्म जवानी जाने मन में वो सैफ अली खान की बेटी के किरदार में नजर आएंगी। चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही एक्शन फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। शालिनी पांडे दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री शालिनी पांडे यशराज फिल्म्स की कॉमेडी ड्रामा जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। कीर्ति सुरेश राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति बॉलीवुड में अजय देवगन अभिनीत फिल्म मैदान संग डेब्यू करने जा रही हैं। अमित शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम पर आधारित है। क्रिस्टल डिसूजा टेलीविजन जगत की अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा फिल्म चेहरे से अगले साल फिल्मों में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी हैं। रूमी जाफरी इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।